हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीट द स्ट्रीट। तो आज हम स्टॉक इन स्पॉटलाइट में बात करने वाले हैं डेल्टा कॉर्प के बारे में। जी हाँ, डेल्टा कॉर्प में एक बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव खबर आई है। इस वीडियो में हम जानेंगे क्या है वो पॉजिटिव खबर, और हम आपको ये भी बताएंगे कि डेल्टा कॉर्प में आपको यहाँ पे आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए और आपका टारगेट प्राइस क्या होना चाहिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। आइए हम बात करते हैं क्या है डेल्टा कॉर्प में पॉजिटिव खबर। डेल्टा कॉर्प को हाल ही में गोवा इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बोर्ड से एक इंटीग्रेटेड रिसोर्ट बनाने का यहाँ पे अप्रूवल मिल गया है। इस रिसोर्ट के अंदर होटल, रेस्टोरेंट, कन्वेंशन सेंटर, सिनेमा, कैसीनो, रिटेल एरिया, वाटर पार्क और अदर फैसिलिटीज़ होंगी। और ये जो रिसॉर्ट है ये परनेम नाम की जगह पे गोवा में खोला जाएगा। अब इससे क्या फ़ायदा है कंपनी को? कंपनी का मेन बिजनेस ही रिसॉर्ट और कैसीनोज का है। जैसे ही एक और बिजनेस यहाँ पे आएगा, नया रिसॉर्ट आएगा, तो कंपनी के लिए नया लाइन ऑफ सोर्स ऑफ इनकम डेवलप होगा। तो इससे कंपनी को काफ़ी फ़ायदा होगा और आप इसका इम्पैक्ट आने वाले कुछ सालों में देखने को मिलेगा जब यहाँ पे रिसॉर्ट फुल्ली ऑपरेशनल हो जाएगा। हमारा ओपिनियन क्या रहेगा इस पर? हमारा ओपिनियन यही रहेगा कि शॉर्ट टर्म टारगेट जो है वो अभी डेल्टा कॉर्प के लिए 170 रुपीज़ का रहेगा और लॉन्ग टर्म टारगेट 200 रुपये का रहेगा। और जैसा कि फेस्टिव अभी सीजन खत्म हो चुका है और अब वापस लोग बाग रेमेंस टूरिज्म, यानी अब वापस जो टूरिज्म का माहौल वापस चालू हो गया है क्रिसमस और जनवरी फरवरी, इस दौरान यहाँ पे गोवा में काफ़ी भीड़ रहती है, तो इन सब का फायदा कंपनी को दिसंबर क्वार्टर में देखने को मिलेगा और वहीं पे मार्च क्वार्टर में भी यहाँ पे कंपनी अच्छा परफॉर्म देखने को मिलेगी। तो इसके चलते यहाँ पे कंपनी में हर तरफ से पॉजिटिव खबर है, भले बिजनेस फ्रंट हो या भले शेयर प्राइस के फ्रंट हो या फिर यहाँ पे नया एक्सपेंशन के फ्रंट से हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सभी डेल्टा कॉर्प के शेयर होल्डर्स के साथ, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।